दोस्तों नाउ एट प्रेजेंट हम खड़े हैं बिरला मंदिर पे। ये सामने अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये बिरला मंदिर है। यहाँ अगर पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो बिरला मंदिर की धर्मशाला यहाँ पे एक बनी हुई है। यहाँ पे ये श्रद्धालु जो आते हैं वो रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ 200-400 रुपये में रूम मिल जाता है और ये बिरला द्वारा बनाया हुआ मंदिर है। प्लस ये सीधे अगर जाओ तो यहाँ से ये वृंदावन के लिए सीधे रास्ता गई। यहाँ से 9 किलोमीटर है वृंदावन। और चलो मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से क्या चीज़ है। गेट अच्छा और सुंदर दृश्य है यहाँ का, देखने लायक है। अंदर जाके अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा भव्य एक मंदिर बना हुआ है। उसमें अंदर एक मूर्ति भी है कृष्ण भगवान की। और यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, ये आपको मैं इस तरीके से दिखा दूँ। यहाँ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं जिन पे के सामान बिक रहे हैं, कपड़े वगैरह हैं, सारे के सारे जो हैं धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं कपड़े हैं। ये बच्चों के भी कृष्ण भगवान जैसे कुछ कपड़े हैं। और ये श्रृंगार के सामान हैं यहाँ पे, चूड़ियाँ झुमके वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये 10 साल में जाके देखो तो यहाँ पे भी एक स्टॉल लगी हुई है। और इधर साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पार्किंग पार्क टाइप से बनाया हुआ है। काफ़ी लंबा चौड़ा मंदिर बनाया हुआ है ये। इसके पीछे तक पार्क है और इधर साइड में भी भक्तगण जो है घूम रहे हैं और अंदर भवन में भी जा रहे हैं, लेकिन अंदर कैमरा जो है अलाउ नहीं है। मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से भगवान की मूर्ति है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं ये कौन से भगवान हैं। ये आप देखो किस तरीके से। इधर भी आप देखोगे तो बहुत सारा पब्लिक जो है यहाँ जमा हो रखा है। और एक प्लट टाइप से कुछ बना हुआ है। ये गीता रथ है। अगर मैं आपको दिखाऊं प्रॉपर तरीके से तो ये गीता रथ बनाया हुआ है और ये सारा का सारा पत्थरों से बनाया हुआ है। तो और मैं आपको नज़दीक से दिखाने वाला हूँ, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो। देखिए ये सारा का सारे पत्थर से बना हुआ है। ये यहाँ से किसी ने तोड़ दिया है, नुकसान करते हैं लोग जो है। ये घोड़े और बग्गी रथ। बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अच्छा सुंदर भी लग रहा है। ये गीता स्तंभ बनाया हुआ है, इस पर पूरी वहाँ से और नीचे तक अगर आप देखोगे तो इस पर गीता लिखी हुई है अलग अलग लैंग्वेज में। छोटे छोटे शब्दों में आप देखोगे तो ये गीता स्तंभ है, इस पर पूरी गीता लिखी हुई है। इस पर सूज रिलीज करके हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ आप देखोगे पूरी की पूरी भगवत गीता जो है इस स्तंभ पे लिखी हुई है। सारी की सारी भगवत गीता इस स्तंभ पर है, काट काट के जो है लिखी हुई है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेज किया हुआ है। ये मूर्ति है इस तरीके से यहाँ पे छापी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। ये कुछ श्लोक टाइप से लिखा हुआ है, ऋग्वेद का है। यहाँ की चित्रकारी देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल जो है काफी अच्छा है। इधर से आप देखिए पूरा परिक्रमा करके। यहाँ भी कोई रथ टाइप से कुछ बना हुआ है, काफी अच्छा है।
कुछ समय के हिसाब से कुछ डैमेज सा हो गया है यहाँ पे, बाकी का ओवरऑल ठीक है। नीचे से इस तरीके से एक बार दिखा दो, कर्म का महत्व समझा रहे हैं कृष्ण जी जो है अर्जुन को, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मेंशन है, ये आप देखो। यहाँ तो हो चुका है,